रायबरेली में पराली जलाने के अपराध में कई किसानों पर कार्रवाई की गई है। लगातार पराली जलाने की समस्या को लेकर डीएम शुभ्रा सक्सेना ने किसानों के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और इस टोल फ्री नंबर पर किसान कॉल कर अपने पराली की कीमत प्रशासन में ले सकते हैं। इस पराली को प्रशासन गोवंश के चारे के रूप में तब्दील करने के लिए कार्य करेगी। देखिए, ये पराली जलाने की घटनाएं जो हो रही हैं और इनको प्रतिबंधित भी किया गया है और इस पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है, तो आज आप सभी के माध्यम से जन सामान्य को ये सूचित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि पराली जलाए जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। इसमें अर्थदंड और विधिक कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि पुनरावृत्ति होती है तो उसमें कारावास का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में जो 36 प्रकरण अब तक प्रकाश में आए हैं, सभी 36 प्रकरणों में जुर्माना आरोपित करते हुए मुकदमे कायम कराए गए हैं और जिसमें जो कार्रवाई है वो प्रचलित है। इसके अतिरिक्त हमने राजस्व कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से जहां पराली जलाना एक कानूनन अपराध था, वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के डीएम शुभ्रा सक्सेना ने एक ऐसे टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है जिस टोल फ्री नंबर पर किसान अपने पराली को ना जलाकर उस पराली को किसान प्रशासन को सुपुर्द करेगा, जिस पराली का जो कीमत होगी वो प्रशासन उनको मुहैया कराएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो पराली जो प्रशासन को दी जाएगी वो पराली को गोवंशों व गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा, जिससे जो गौवंश है उनको भी सहूलियत होगी और जो किसान होंगे उनको भी सहूलियत होगी। अखिल श्रीवास्तव, लाइव टुडे, रायबरेली।